क्या लगता है बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं वो, क्या विपक्ष को एकजुट करने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी देखो जब बिहार में ही जब एकता नहीं है तो फिर बिहार में जब एकता नहीं है तो फिर वो पूरे देश को क्या संभालेंगे, पूरे देश को कैसे संभालेंगे वो। अभी देख रहे हैं कभी इसमें जा रहे हैं कभी उसमें जा रहे हैं, पब्लिक को जो है मतलब धोखा दे रहे हैं। नीतीश कुमार ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे 2024? पूरी तरह टक्कर देंगे। जब पीछे जो इसको बनाया ना हमने गठबंधन से नीतीश कुमार को, तो मेन क्या चक्कर है, मोदी जी की वजह से रैली करी ना तो इतनी सीटें आ भी गई थी, अब 2 सीट भी लेके दिखा दी आपकी बारी इलेक्शन में। ये पीएम के ख्वाह जो यूपी की तरक्की हुई है उतनी बिहार की तरक्की हुई है। तेजस्वी यादव है ना, तेजस्वी यादव अंदर जाने की कगार पे अभी सारे आज वो रैली कर रहे हैं हरियाणा में। रैली करो कुछ भी करो, अंदर का नंबर है अंदर। बंधन तोड़ा कि 14 वाले 24 में नहीं आने वाले, उनने तो कर दिया। सर पब्लिक के कहने से उसके कहने से क्या, उसको बिहार से ही गायब ना कर दे तो कहना अरे बिहार ही उतार देगा उसे। मैं कह रहा हूँ बिहार ही उतार। बात नहीं है, मेरी बात सुनो। जब पीछे जो इसको बनाया ना हमने गठबंधन से नीतीश कुमार को, तो मेन क्या चक्कर है, मोदी जी की वजह से रैली करी ना तो इतनी सीटें आ भी गई थी, अब 2 सीट भी लेके दिखा दी आपकी बारी इलेक्शन में। ये पीएम के ख्वाब, ये बिहार से आप कितनी तरक्की हुई है बिहार। आप ये बताओ थाना में दारू बंद कर दिया, वो हर थाना में दरोगा के फोन करो दारू मिलेगा आपको जितने भी है। एक तरह की उसे बता दो कि जो मार की तरक्की है, एक तरह की उसका नहीं है। इस समय रात को निकल नहीं सकता आदमी, पता नहीं कब उठे गोली मार दे, सारे बदमाश तो बाहर निकल चुके हैं इस समय। बिहार चलिएगा, जिला बताइए, कोई भी जिला चलिए। जिला यार मैं भी हूँ, और यूपी यूपी में इस समय आप यूपी में मैं भी रह रहा हूँ भैया। कौन सी जिला बिहार में? हैं कौन सी जिला बिहार में चलना चाहते? सभी जगह मैं भी 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी चलो बिहार में। मैं नवादा जिला से हूँ, नवादा जिला से हूँ। बता क्या घटना हुआ नवादा जिला? कितने दिन पहले गए हो आप? कितने दिन सरकार गिरा हुआ है बीजेपी का? नालंदा जिला में क्या घटना हुआ? भैया घटना क्या हो गया? घटना आप तरक्की बताओ, बिहार की तरक्की हुई है? नीचे है, सात नीचे है, सात नीचे जो है ना पूरी तरह का टोटी तक नहीं है भाई, टोटी तक टोटी नहीं है भाई। साथ में था ना यूपी, जितनी एक मिनट योगी के टाइम में जितनी यूपी की तरक्की हुई है उतनी क्या बिहार की तरक्की हुई है? मुझे आप इतना बताइए, बस कुछ भी हो बिहार से जब भी आंदोलन हुआ है, जब भी बिहार के राजनेता विपक्ष में हो चाहे अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होता है ना तो एकदम सत्ता हिलता और हिलेगा भी। अच्छा क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ये सब इकट्ठे होकर दे पाएंगे? अरे मेरी सवाल तो सुनिए, नीतीश कुमार ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे 2024? पूरी तरह टक्कर देंगे। किसको टक्कर देंगे? नीतीश कहाँ से लड़ेंगे बताओ, नीतीश कहाँ कहाँ से लड़ेंगे? मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश? सुनो जो बिहार, सुनो बेटे सुनो, बिहार के अंदर है ना। अरे सुनो सुनो सुनो, उत्तर प्रदेश से गवर्नमेंट बनती है, उत्तर प्रदेश से और कहीं से नहीं, और उत्तर प्रदेश में बाबा है कोई नहीं है। अरे बिहार और यूपी मिलके मोदी को साथ, यूपी में तो बाबा है और कोई नहीं है, क्योंकि यूपी से बाबा नंबर वन है और आने वाले 2027 में बाबा इंडिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह गए नीतीश को बोले, लालू को बोले, लेकिन तेजस्वी यादव को नहीं बोले, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के लिए बड़ा नेता उभर के आ रहे हैं, क्योंकि वो उसको बोलेगा बीजेपी का सपा मंत्री बना है तुम्हारा, जो खुद के बिहार में नहीं शादी किया भाई, बिहार में लड़की नहीं थे क्या? क्या लड़की नहीं था क्या? स्वतंत्र पहले नंबर कैसे शादी कर सकता है? जो यूपी जो यूपी की तरक्की हुई है उतनी बिहार की तरक्की हुई है? तेजस्वी यादव है ना, तेजस्वी यादव अंदर जाने की कगार पे अभी सारे घोटाले करके हो रहे हैं। लेकिन आज वो रैली कर रहे हैं हरियाणा में। रैली करो कुछ भी करो, अंदर का नंबर है। नीतीश कुमार और मोदी और तेजस्वी से कंपेयर करने की अपेक्षा जो बीजेपी का अंधभक्त है, जो मोदी जी का अंधभक्त है, वो सच्चाई को एक्सेप्ट कब करेंगे? जो क्या सच्चाई, क्या इतना बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी इतना ज्यादा है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कब कीजिएगा? अंधभक्त है, अंधभक्त सच्चाई। महंगाई, एक मिनट, महंगाई किधर है? रुको, एक महंगाई किधर है? माइक छोड़िए, आराम से बोलिए। एक मिनट, कह रहे हैं अंधभक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं महंगाई को। महंगाई का ना सबसे महंगी से महंगी गाड़ी
एडवांस है ना, छह छह महीने एडवांस बुक है, बेरोजगारी का है। अपने अपने एक पॉइंट हम बोलना चाह रहे हैं, सभी बोलते हैं महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। एक मिनट, सब बोल रहे हैं महंगाई नहीं है। राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका फायदा उठाएंगे। वो भारत छोड़ेंगे, वो इंडिया के नहीं है। कौन कहता है वो इंडिया के, वो इटली। राहुल अलग रहता है, सोनिया अलग रहती है, अपना परिवार तो जोड़ ले, तो पब्लिक को क्या जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे मेरे बताओ। भारत जोड़ रखा है, मोदी को खाड़ फेंकने मोदी को हरदम जुड़ा हुआ है उनके पैर। जो तरक्की कर रहा है मोदी के टाइम में, किसी टाइम कर रहा हो तो बताओ। आप बाकी सब छोड़ो, इस टाइम इंडिया गेट पे इतनी भीड़ होती थी पहले, कितने अच्छे तरीके से जो पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही, नहीं मिल रही, बहुत अच्छे तरीके से सुविधा मिल रही। और पब्लिक को यही चाहिए कि तरक्की करे इंडिया अपना, और सबसे फायदा कुछ होगा भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को फायदा। हाँ फायदा होगा, जो कांग्रेस थोड़ी बहुत बची है वो भी गायब हो जाएगी। फायदा इतना होगा वो भी उजड़ जाएगी, वो भी गायब हो जाएगी। बाकी सर अपर क्लास पब्लिक जो है उनको चाहिए इतना फैसिलिटी हर एंगल से, ठीक है फैसिलिटी, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उनको पेट पूजा भी तो चाहिए, खाना भी तो चाहिए। एक अगर मिडिल क्लास आदमी एक मोटरसाइकिल खरीदा था उसको भी तो तेल सस्ता चाहिए ना। अभी आज से सुनिए सर, एक मिनट, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लो क्लास हो चाहे हाई क्लास, टॉयलेट वो भी जाता है। अगर टॉयलेट नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा, खेतों में। ये खेत बंद करा के उसने टॉयलेट हर एक घर में हर एक गांव में बनाए, बने नहीं बने आप ये बताओ। हाँ कहाँ नहीं मिला, बिहार में नहीं मिला होगा नीतीश के राज में, और बाकी सब जगह मिला। पूरे यूपी में चले जाओ, पूरे यूपी में चले जाओ, सब जगह हर घर में मिला। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। आप कहाँ से आया? हम तो ऐसे बिलोंग करते हैं बिहार से। बिहार से हैं सर। तो क्या लग रहा है इस बार, अच्छा लग रहा है इंडिया गेट पे जो ये सब बदलाव देखने को मिला है? हाँ यहाँ तो हमारा बचपन गुजरा है, यहाँ हमने जो पहले देखा था उससे कम से कम ये 99% जो है बदलाव है इसका। तो क्या कहना चाहेंगे, जो बदलाव किया है मोदी जी ने, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? ठीक है, समय के हिसाब से ठीक कर रहे हैं, वो कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, वो समय के हिसाब से बिल्कुल अच्छा ही कर रहे हैं। 24 में सर इलेक्शन है लोकसभा के, किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप अगला? ये तो उस टाइम में बताया जाएगा कि भाई किसको देखा जाएगा, क्योंकि काम के हिसाब से तो जिसका फील्ड बनेगा वही जीतेगा। वो तो काम के हिसाब से किसको देख रहे हैं सर, काम किसने करवाया? काम तो पहले के मुकाबले में देख रहे हैं मोदी कर रहे हैं सही, मोदी जी कर रहे हैं सही। अच्छा सर, आप बिहार से जैसे आपने बताया तो वहाँ का जो CM है कह रहे हैं कि गठबंधन करेंगे और सारे जो विपक्ष उनको एकजुट करेंगे, क्या लगता है बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं वो? क्या विपक्ष को एकजुट करने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं अभी देखो, जब बिहार में ही जब एकता नहीं है तो फिर वो पूरे देश को क्या संभालेंगे, पूरे देश को कैसे संभालेंगे वो? अभी देख रहे हैं कभी इसमें जा रहे हैं कभी उसमें जा रहे हैं, पब्लिक को जो है मतलब धोखा दे रहे हैं। पहले इनकी सीट ज़्यादा आती थी बिहार में, अब बाद में उसकी सीट कम हो गई, क्योंकि कुछ अच्छा ऐसा काम किया होगा जिसे पब्लिक को पसंद नहीं हुआ होगा, इसलिए जो है वो सीट उसकी कम आई। धोखे की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आखिर? जनता उनको पलटू राम भी कहती है। हाँ पलट के इधर पलट के उधर, उसे दल बदलू कहते हैं। मोदी जी को ही देख रहे हैं प्रधानमंत्री अगला? हाँ ठीक है, ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं अभी तक कहा कि भाई हम ये गलत काम करेंगे, अभी तक तो सही काम कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं वो जो भी कर रहे हैं। मैम आपके क्या नाम? आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं अगला, ये बताइए। जो है अभी उसी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को देखना चाहती हैं, क्यों राहुल गांधी जी को नहीं पसंद करती हैं मैम? जो अच्छा चलेगा वही दे। राहुल जी में वो क्वालिटी नहीं है। क्यों क्वालिटी की बात करें, वो तो कहते हैं जनता हमको पसंद कर रही है, मिल रहे हैं वो आम लोगों के बीच जा जाकर। हाँ जा जा के मिल रहे हैं, लेकिन मिलने से खाली काम नहीं ना होता, असल तो काम चाहिए इंसान को, और काम के हिसाब से उसको देखा जाएगा भाई कि वो इस देश को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। तो पब्लिक ये उसके अंदर देख रही है, उसके अंदर ज़्यादातर मजाकपन ज़्यादा है, उसके अंदर मजाकपन ज़्यादा है उसके अंदर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।